हाय गाइस, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है। तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो में अपन साथ मिलके मीम्स के रिव्यू करेंगे। और मीम्स जो होने वाले हैं वो मीम्स मेरे इंस्टाग्राम पेज पे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको अगर ये मीम्स पसंद आते हैं, तो इस वीडियो को देखो पहले, फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ और वहाँ और भी ढेर सारे मीम्स मैंने पोस्ट कर रखे हैं। तुम लोग देखते नहीं हो यार, तुम लोग देखो, तुम लोग जाओ, तुम लोग इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो और तुम लोग मीम्स इन्जॉय करो। सो दैट जब मैं और भी बहुत सारे मीम्स पोस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी इसको लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो पसंद आई, सो दैट मैं अगली बार और भी अच्छे अच्छे मीम्स लेके आऊँ। ओके, सो शुरू करते हैं। वो हम भी बना लेंगे। हम कहीं भी चले जाएं, हम अगर फाइव स्टार होटल भी चले जाएं, हम ढाबा पे चले जाएं, हम कहीं भी चले जाएं, और अगर आप अपनी मॉम को लेके जा रहे हो तो दिस इज़ अ रिचुअल कि आपकी मम्मी खाने को देखेंगी और वो बोलेगी यार ये तो मैं घर पे बना लेती, इसके लिए इतने पैसे देने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। तो ये तो है ही, मॉम्स आर द बेस्ट। So let's get on to another bit. This is very relatable, by the way. If you relate to this, you know the drill. Like the video. Chalo, next meme. Next meme. Right. So, ऐसा किसे मेरे साथ बहुत बार हो चुके हैं। मैंने अपने दोस्तों को, एक पर्टिकुलर दोस्त को ये बात बताई कि देख यार तू उसे ना ज़्यादा वो मत किया कर, ज़्यादा उसके साथ मत रहा कर, वो इंसान सही नहीं है। और आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टर्न आउट टू बी ट्रू। तो वो तो है, और दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम रिएक्शन आई ऑलवेज गिव। अच्छा ऐसा है यार, मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात कि वो बंदा ऐसा है या कि वो बंदी ऐसी है, समझ रहे हो। तो ये तो है, ये तो करेक्ट बात है, अच्छी चीज़ बनाता हूँ यार मैं। नेक्स्ट अच्छा तो यार मिलेनियल्स तो हम भी हैं यार, अभी 2 साल हुए कॉलेज से पास आउट हुए हुए और नई नई लाइफ शुरू हुई है। तो आई कैन रियली रिलेट टू दिस कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, और स्पेशली अभी 2 साल ये कोविड के चलते घर पे थे, घर पे कुछ काम नहीं करना पड़ता था। और अभी जब से मैं शिफ्ट हुआ हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू, आई कैन नॉट इवन स्टार्ट टेलिंग यू दिस कि अडल्ट लाइफ को लाइक द जगलिंग पार्ट ऑफ द अडल्ट लाइफ इट्स एन आर्ट। द पीपल हु आर एबल टू यू नो इसको अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं ना, सल्यूट टू यू गाइज, बट दिस इज वेरी रिलेटेबल, दिस इज फनी ऑल्सो। सो Next meme. When your exams were offline but classes were online. Right, ये तो जानते ही हो, अगर आपने अपने कॉलेज के क्लासेस 10th, 11th, 12th किसी की क्लासेस अगर भी आपने ऑनलाइन की है लास्ट 2 ईयर्स जो कि आपने किया ही होगा, तो आपको पता है कि हाउ इट फील्स कि इन्होंने पढ़ाई तो ऐसे प्रेजेंटेशंस में और जूम कॉल्स में करा दी, बट जब पेपर देने की बारी आती है तो ऑफलाइन ले रहे हो। तो दिस इज द मोस्ट रिलेटेबल मीम फॉर यू गाइस, द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट ओके, नन्नारी नारे तानी नन्नारो ताने नाने दिस इज थोड़ा पुराना रूम, थोड़ा पुराना मीम है ये। दिस इज अ मीम जो मैंने पोस्ट किया था जब IPL सीजन चल रहा था। तो एज यू गाइस नो कि ईशान किशन 14 करोड़ में बिका है, ही वॉज आई थिंक द कॉस्टलीस्ट प्लेयर दिस सीजन 2022 में, और उसकी परफॉर्मेंस अगर आपने देखी है ना, तो आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है, ये मीम मैंने क्यों बनाया है ना।
तो ये मुंबई इंडियंस भी कह सकते हो आप, रोहित शर्मा भी कह सकते हो। ये अगर कि रोहित शर्मा ईशान किशन को हाइप कर रहा है कि भाई प्लीज एटलीस्ट एक मैच में तो चल जाए अच्छे से, बस एक मैच में उसने अच्छे रन बनाए थे, आई थिंक वो पहला ही दूसरा मैच ही था, उसके बाद से 14 करोड़ क्या 14 रुपए वाली परफॉर्मेंस भी नहीं रही है ईशान किशन की। ही इज एन एक्सेलेंट प्लेयर, मैं मिला भी ईशान किशन से, बट आई मीन दिस इज अ गुड न्यूज। Next. Okay, moving on. Sometimes till like 10 o'clock at night, sometimes till like 6. Yeah. No. Really? All the time? Every day? Every day. In wow. Summer, how do you feel? Hot. Hot. I'm excited. Wow. So, okay. Overthinking. This is a topic to talk. So, main kafi practical hun, but I have friends jo ki bahut zyada overthink karte hain. So, this is relatable. Next me. चैतान गली खतरा महल अंधेर नगर और शमशान के सामने। ओके दिस इज ये जो मूवी है जिस मूवी से ये क्लिप ली गई, ये तो बहुत ज्यादा मस्त मूवी थी। और व्हेन यू प्रेस आस्क्स, व्हेन यू आस्क क्रश देयर एड्रेस, तो आपको वो कहती है चैतान गली खतरा महल अंधेर नगर और शमशान के सामने। तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना कि कैसे हो रहा है आपको, आपको आपकी क्रश आपको कौन सी एड्रेस दे रही है, तो आप समझ जाओ फिर। ओके कमेंट्स, नो कमेंट्स। नेक्स्ट मी। अभी मैं आपको अगर पता होगा, अगर आपने मेरी रिसेंट वीडियोस देखी है, ब्लॉग्स देखे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं भी गोवा से आया हूँ। और आई होप दिस इज something that I'm saying and it's not going to land me in trouble at home, but this is a true story, okay? This is a true story and my friends know this, they know ki ye sach hai ki hamare dost hai jo ki ye kehte hai ki bhai main daru pi ke na ulti nahi karta, main sab kar leta hu, but ek pack ke baad na unki yahi haal ho jati hai, aankhon se bhi pani aane lagta hai, naak se bhi ulti ho rahi hai, मुंह से उल्टी हो रही है, हर जगह से उल्टी हो रही है। तो दिस इज रिलेटेबल मीम, वेरी नाइस मीम, वेरी रिलेटेबल। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपके दोस्त हैं जो ऐसा कहते हैं, तो उनको टैग करो यार, कमेंट्स में उनको टैग करो, और इस मीम पे जाओ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे और वहाँ पे उनको टैग करो, और उनको भी बोलो कि ये बहुत अच्छी मीम्स बनाता है, इसको फॉलो करने के लिए। ओके तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइस, आई होप यू लाइक द मीम्स। और ये दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन दिस मीम रिएक्शन सीरीज, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ कमेंट करो कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और आप ये चाहते हो कि मैं अगली मतलब इस सीरीज़ में और वीडियोज़ ले करके आऊँ, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मीम्स हैं, मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना सकता हूँ उस पर, ठीक है? और मुझे भी मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आता है, मीम्स देखो, हंसी मजाक होते रहता है, तो अच्छी चीज़ है ये। तो ओके तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली एक ब्लॉग होने वाला है, बैंगलोर में एक वीकेंड का ब्लॉग होने वाला है, जो कि अभी मैं एडिट करने बैठूंगा, विल टेक सम टाइम, अ वीक में भी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब टू द वीडियो, एंड आप क्या करना होता है, लाइक तो कमेंट काफ़ी बार बोल दिया मैंने, और शेयर करो यार वीडियो को, अगर वीडियो आपको फनी लगी तो शेयर करो, इट विल हेल्प द चैनल ग्रो, इट विल हेल्प मी एंड इट विल हेल्प यू ऑल्सो मे बी, अगर आपको फनी मीम्स के वीडियोस पसंद है तो ऑन दिस नोट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।